वेलकम बैक फ्रेंड्स। और ये शुरुआत हो रही है शाम के स्नैक्स से। मैं सिंपल ब्रेड के ऊपर कुकुम्बर वगैरह और स्प्रेड लगा के और चिप्स लगा के पहली बार एक सैंडविच बनाया है और चाय के साथ खाने के लिए, क्योंकि आज ना बहुत सारे काम हैं जो कि मुझे करने थे। और ये मैं इवनिंग से व्लॉग शुरू कर रही हूँ और ये चाय और नाश्ता तैयार हो चुका है। उसके बाद हम गए हैं डीकैथलन, और डीकैथलन में इसलिए गए थे क्योंकि आर्यन को एक बाइसिकल खरीदनी थी और वहाँ जो घर पे थी वो छोटी हो रही थी तो वो वहीं छोड़ दी हमने। फिर यहाँ पे ने एक न्यू परचेज करी है। बस हम लोग गए थे यहाँ पे एक साइकिल लेने के लिए, और भी चीज़ें देखी थी पर समझ में नहीं आया तो हम सिर्फ साइकिल लेकर फिलहाल आ गए हैं। तो धीरे धीरे करके सब चीज़ें लेंगे। और ये ना डीकैथलन ना एक अच्छा टाइम पास है, अगर आपको लग रहा है कि कोई सामान भी लेना है और सैटरडे संडे हर वक्त तो इंसान मॉल में नहीं जा सकता ना, तो डीकैथलन भी आप जा सकते हैं। बच्चे वहाँ प्ले, उनके लिए प्ले के लिए भी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत, लेकिन बच्चे अच्छे से इंजॉय करते हैं। फिर ये आ गए थे हम लोगों ने करी थी गणपति पप्पा की तैयारियाँ, और ये है अब नेक्स्ट डे। तो सुबह सुबह आ रहे हैं ना, उसके पापा जाके लेके आए थे गणेश जी को। मैं हर बार रखती हूँ, आपने देखा होगा अगर मेरे वीलॉग्स को, तो ये अच्छे से उनको हमने सजा दिया है। अब इनको हम लोग इनका मुँह खोलेंगे ताकि ये घर देखें कि मैं कहाँ आया हूँ, और उसके बाद इनकी पूजा होगी। बहुत ही सिंपल वे में हमने पूजा करी थी यहाँ पे। अभी हम ज़्यादा किसी को जानते भी नहीं हैं, और एक दो फ्रेंड्स जो बने मेरे वो एक्चुअली जैन है, तो वो लोग के घर में अपनी एक पूजा चल रही थी, तो वो 11 डेज तक ना के जाते ना कुछ खाते ऐसा कुछ है उनके घर में। तो वो कहने लगी मैं बाद में मिलने आ जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग एक तरीके से अभी फ़िलहाल तो अकेले ही है, और हमने मिल के तीनों ने पूजा कर ली थी। और मैं हर बार बिठाती हूँ गणपति जी, और हर बार ही पूरा 10 डेज के लिए जो भी पूजा पाठ होता है मैं शेयर करती हूँ थोड़ा थोड़ा जितना मुझसे हो पाता है। यहाँ पर ना 7 डेज के लिए बहुत रखते हैं लोग, तो बस मैंने एक दुपट्टा ले लिया ताकि अब आरती वगैरह करेंगे ना हम लोग। मैं आपको दिखा रही हूँ घर एकदम क्लीन कर रखा है मैंने, और बस गणेश जी की पूजा हो चुकी है। तो ये गणपति जी की हो गई है पूजा पाठ। बहुत सिंपल डेकोरेशन किया था मैंने इस बार। और यहाँ पे ना जैंसी लाते हैं यहाँ पर भी, महाराष्ट्र में भी, जैसे कि नाव मैं भी हमेशा ना मतलब हस्बैंड ही लाते हैं और मैं भी चली जाती थी, बट यहाँ पे स्पेशली जेंट्स लाते हैं गणेश जी को। और जो लाते हैं ना उनके बड़े रूल रेगुलेशंस होते हैं, वो फास्टिंग भी करते हैं कई लोग तो। और कहना कि गणेश जी के ठीक 2 दिन बाद ना इनकी 2 सिस्टर्स भी आती हैं, गौरी माता की पूजा बोलते हैं, बहुत अच्छी होती है वो, और महाराष्ट्र में सुना है मैंने पहली बार। और फिर उनकी पूजा होती 2 दिन रहती हैं वो, और फिर वो चली जाती हैं, कहते हैं वो लोग अपने ससुराल चली जाती है 2 दिन बाद, और उसके ठीक आई थिंक 4 से 5 डेज के बाद जो है वो गणपति विसर्जन जाता है। अब यहाँ सोसाइटी में भी एंट्री हो चुकी है गणपति बाबा की, और बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और हम लोग ना बालकनी में से देख रहे हैं क्योंकि हमारी बालकनी से ना बहुत अच्छे से दिखता है। ये देखिए यहाँ पर ना कितने अच्छे से ये लोग डांस वगैरह कर रहे हैं ना, और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं बालकनी में से क्योंकि सारा दिखता है। हाय। और अब ये सारी पूजा पाठ हो चुका है और मैं बैठी हूँ अंदर आराम से हॉल में। सवा 10 बज चुके हैं, बस थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी तो सोचा एक वीडियो बना लूँ आपको दिखा दूँ कैसा सिंपल एकदम घर बनाया है मैंने, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई डेकोरेशन तक खास नहीं किया है।
यहाँ पे ये लोग भी फ्री हो चुके हैं तो एंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ पे आर्यन की ना बाइसिकल भी आ चुकी है डीकैथलन से, हमने जो परचेज की थी ना वो कल करी थी ना, जो वो भी आ गई है। तो ये लोग नीचे गए हैं और ये साइकिलिंग कर रहा है। अभी ये चार पे इसलिए करता है क्योंकि बीच में ना इसकी छूट गई थी, तो अभी एक थोड़ा एक हफ्ते चला लेगा ना, फिर इसके दोनों पहिए साइड के हम लोग ना हटवा देंगे, फिर ये दो पे ही करेगा आराम से। अभी वहाँ से आने के बाद ना ये देखिए रैक्स लड़ रहा है, उसको ये गुस्सा आ रहा है कि मतलब मेरे को देख तूने घुमाया नीचे। तो ये देखिए इनकी लड़ाई कुछ हो गई है, चिकू देख बड़ा ही अच्छा लगता है जब देख कर ना, इंजॉयमेंट सा होता है। भगाओ ना भगाओ ना, एक बार नीचे भगाओ ना उसको, भगाओ ना आप करो ना, ऐसा नहीं होता कि हाँ भगाओ अच्छा, ये ना हमेशा बहुत देर तक कंटिन्यू रहता रहेगा। अगर एक घंटा भी इसके साथ आप खेलोगे ना तो ये ऐसे ही खेलता है, मतलब बहुत ही ना जॉली टाइप का डॉग है ये। और ये ना जिनसे हमने लिया था ना, हमने उत्तम नगर से ऑनलाइन परचेज किया था, तब उन्होंने बोला था कहते ये जो है ना एकदम थोड़ा थोड़ा नीचे छोड़ो नीचे, और आप ना लेके इसे खुश ही जाओगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया डॉग है। गुस्सा आ गया भाई, गुस्सा आ गया, आपने छीना कैसे? तो मुझे थोड़ा सा लगा, मैंने कहा क्या यार बच्चे के लिए ले लिया, अब संभालना तो हमें ही है, छीना कैसे उसको क्या है कि फिर भी है ना ये जो है ना डॉग उसका प्ले के लिए है, वो मजा आ रहा है, स्ट्रेस फ्री कर रहा है अपना। अगर आप अच्छे से बता दें इसको कहाँ वॉशरूम के लिए जाना है, क्या चीकू की ड्राइंग चल रही है, बहुत बढ़िया ओ वाओ। अब यहाँ बनाया बेटा साइकिलिंग करने के आने के बाद मैं ड्राइंग कर रहा था, तेरे इसके नाम अलग अलग होते हैं, तो मैंने फोन छुपा दिया। क्या है मैंने कहा तुम बैठ के ना अपना ड्राइंग कर, वेरी गुड। बस फिर हम लोग गए थे सोसाइटी में, गणपति जी आए थे ना, उनको इवनिंग में मिलने जाना होता है ना, तो हम लोग यहाँ मिलने आए थे। मैंने ना एक्चुअली स्कर्ट पहनी हुई है, तो ये देख रही आप थोड़ी बहुत दिख रही होगी वाइट कलर की, उसके ऊपर एक टॉप था और फिर मैंने चुन्नी ली थी, क्योंकि सूट ना पहना नहीं मैंने जल्दबाजी में, तो मैंने सिर्फ स्कर्ट पहनी थी। और ये हम आ गए हैं यहाँ पर, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यही करते हैं इस वीलॉग को एंड, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गणपति बप्पा मोरया।